आज तक जितने भी पे कमीशन आए हैं, ये सातवां पे कमीशन है, ये सबसे वर्स्ट रिपोर्ट है। जो पिछला सिक्स्थ पे कमीशन था हमारा, मोर देन 50% हमारी सैलरी बढ़ी थी, और आपके मुताबिक जो न्यूज़ है आज की, ये 23.55% है। आप इसे हिसाब लगाइए, जो सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट थी और जो सेवन्थ पे कमीशन की रिपोर्ट हुई, जो 50% उससे भी ज़्यादा कर दिया इन्होंने। इसके लिए धन्यवाद, तो हम केंद्रीय सरकार तो धन्यवाद की पात्र है ही, साथ में हमारे जो यूनियंस हैं वो भी धन्यवाद की पात्र हैं, जो दबाव बराबर बनाए हुए थी पिछले कई दिनों से। इससे ज़्यादा उम्मीद थी, परंतु सरकार का निर्णय सर्वोत्तम रहता है कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ गई है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 119% डीए तो हम पहले ही विड्रॉ कर रहे थे, जो कि अब जीरो से शुरू होगा दोबारा से। तो अगर हम डिडक्शन को देखें तो हमारी होम केयरिंग सैलरी जो है वो पहले से कम होने वाली है, ना कि बढ़ने वाली है, और इन्फ्लेशन रेट क्योंकि बढ़ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जेब टाइट होने वाली है, इससे कोई उनको ऐसा बेनिफिट होने वाला नहीं है, जो कागज़ों पर तो दिख रहा है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जाहिर है कई सवाल हैं, तो ऐसे सवालों के बीच में मानचंद खंडेला साहब, क्या लगता है राजस्थान सरकार, क्योंकि एक तरफ रेवेन्यू सोर्सेस की बात होती है, इसके लिए तैयार नजर आती है आपको? देखिए, जहां तक तैयारी का बात है वो तो देनी ही देनी पड़ेगी, केवल उसमें बात यह है एमिकेबली कर्मचारियों से वो इस तरह का देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर टैक्सेस में कहीं बढ़ोतरी हो, कहीं आम आदमी पर इसका असर सीधा तौर पर देखा जाए, जो आज मूल सवाल है हमारा अंदर से। देखिए, सवाल है, जो भी सरकार खर्च करती है एक पैसा, उसका प्रभाव जनता पर पड़ता है, क्योंकि जनता से पैसा आता है, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल बात है। लेकिन मैंने जो जनता की बात कही थी ना आपसे, कि बहुत ही इलीट क्लास को पैसा मिल रहा है, और जो बेचारी क्लास है उसको आपके बारे में कुछ, उनको ऐसा ही कर्मचारी के बारे में नहीं सोच रहे, एडवोकेट के बारे में आप नहीं सोच रहे, मित्रों के बारे में आप नहीं सोच रहे, और जो कुछ है उनको आप ये कह रहे हैं पूरा काम नहीं कर रहे। गरीब और मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं है आपका आरोप है। बिल्कुल ख्याल नहीं है। और सवाल है कि जो किसानों की बात आपने करी, मैं कह रहा हूं 66% लोग जो है अभी भी कृषि पर निर्भर है, और कृषि में 42% लोग जो है ना वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इस तरह की हालत है, और उनके कर्जे माफ करें नहीं करें मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन साहब उनके बारे में सोचें, और उनकी सोच की एक ही बात है, आपको जब आपने कहा था समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, जो फार्मूला था उसके आधार पे आप नहीं करेंगे, तो उसको तो क्यों नहीं करेंगे, और इनको आप दूसरे पे कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी है, आपको ऐसे कर सकते हैं, और आपका जो सरकार चलाना जो है केवल कर्मचारी चलाते हैं। चलो फिर आरसी चौधरी साहब, आपका रुख करना चाहता हूं, मध्यम वर्ग के लिए क्या कोई राहत की उम्मीद की जाएगी, सरकार उसके लिए तैयार है? और दूसरा सवाल राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ है, क्या राजस्थान सरकार मानसिक रूप से तैयार है, वित्तीय संसाधन है इतने? सुनिए जी, सरकार को लगता है कि ना तो इस सरकार की कोई तैयारी थी, ना ही सरकार का इसको कोई अध्ययन था। सरकार को एक जैसे ही रिपोर्ट आई और एक कर्मचारी यूनियंस का या किसी दूसरी तरीके से कहें इन्हें लागू करना था। अगर सरकार ये लागू करने से पहले 2-4 सेगमेंट्स पे सरकार को सोचना चाहिए था। सरकार एक तो जिसमें जो फंड्स निकाल रही है, रेलवे से निकाल रही है और जनरल फंड से निकाल रही है, तो रेलवे को जो अपग्रेड करना चाह रहे थे तो वो फिर किस जगह पे जाना चाहते हैं? दूसरा, किसानों की जो बात है, किसानों की बात है, जो नए जो छात्र हैं उनके रोजगार की बात है, जो यहाँ पे आशा सहयोग नहीं है, जो परमानेंट की बात कर रही हैं, तो आप उनके बारे में क्या चीज करना चाहते हैं? डॉक्टर्स हैं वो एक तरह से हड़ताल पे जा रहे हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो एनपीए जो उनका था, एनपीए को सेपरेट करके और इनका जो सैलरीज है वो बढ़ाई जा रही है। बहुत से जो कर्मचारी यूनियंस हैं वो इससे नहीं है, ये बेसिकली ये आंकड़ों का जाल करके इन्होंने एक पैसा किया है। तो ना कर्मचारियों के मुंह में भी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है वो स्थिति है, और दूसरे सेक्टर्स पे भी नहीं है। महंगाई इसलिए बढ़ेगी कि जो बैरल डीजल जो 128 रुपए में आता था उसकी कीमत 28 रुपए हो गई, उसके बावजूद भी सरकार ने दरें कम करने में कहीं कोई और उसके बाद में भी टैक्स पे टैक्स ये बढ़ाते गए, रेवेन्यू जनरेशन में ही लगे। तो आम जनता को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो रिलीफ भी ये दे नहीं पाए। आज जब जैसे ही डीजल की रेट बढ़ी और इन बढ़ते ही रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी कर दी, ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी होगी, तो निश्चित रूप से आपको लगता है सीधा गरीब और मध्यम वर्ग पर मार हो रही है? बिल्कुल है, असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं जी। शिवजी राम जी, आपसे जानना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग का सवाल फिर कर्मचारी पर आकर टिक जाता है कि राहत की उम्मीद नजर नहीं आती, एक तरफ से सरकार पैसा दे रही है और दूसरे हाथ से लेती हुई भी नजर आती है, ऐसे हालात के लिए तैयार है कर्मचारी? देखिए, जो ये सब कह रहे हैं कर्मचारियों के बारे में, कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो ईमानदारी से सारा इनकम टैक्स चुकाता है, बाकी कहीं उद्योगपति में किसी का नहीं, लेकिन वो सब ऐसे आंकड़ों में दिखाते हैं
किसी के 1000 रुपए की खेती नहीं होती है और वो जो बड़े बड़े लोग उसमें जो लाखों करोड़ों की एग्रीकल्चरल वो इनकम दिखा के टैक्स से बचते हैं। कर्मचारी एक ऐसा है कि ये तनख्वाह बढ़ेगी तो उतना तो उनका टैक्स ही बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स की जो है उसमें पिछले बजट में कोई रिबेट नहीं दी गई है और एक बिना मतलब का कर्मचारियों के माहौल बनाया जाता है। कर्मचारी खुद सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने में, सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं उसको लागू करने में पूरा काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं। आप सचिवालय में देख लो, आप 9:30-10 बजे आके देख लो सचिवालय के 90% कर्मचारी ड्यूटी पर आ जाते हैं। अगर कोई ऑफिसर शाम को लेट पर बैठता है तो उसका स्टाफ पूरे वहाँ तक रुकते हैं। तो ये कर्मचारियों के बारे में इस तरह की एक वो फैलाई जाती है जो ये जब 10 साल में एक बार वेतन आ गया पक्ष है और इस पर भी बात होनी चाहिए। राजेश कोठारी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या ये सरकार गरीब तबके की मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को 7वें वेतन आयोग के जरिए पूरी कर पाएगी? मेरे ख्याल से जो एजेंडा है अब उस पर ज्यादा बेहतर है। आज एजेंडा ये है कि 7वें वेतन आयोग और कर्मचारी, तो अब हम उन सारी बातों करने को तुकी नहीं है जो इस एजेंडे से संबंधित नहीं है। जब सरकार को, क्योंकि अरुण जेटली ने उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोठारी साहब, अरुण जेटली ने 7वें वेतन आयोग पर मुहर लगने के बाद, आप बोले बोला बीच में, शांति सुनिए, आप सबको सुनने का डालिए। कोठारी साहब, 7वें वेतन आयोग प्लीज, मानचंद खंडेला साहब, व्यक्तिगत तर्क नहीं, मानचंद खंडेला साहब, व्यक्तिगत तर्क नहीं, मैं कोठारी साहब आपके आपका रुख करना चाहूंगा। सुनिए कोठारी साहब आपका रुख करना चाहूंगा। पूछता हूँ आपसे, क्या सरकारी कर्मचारी आम नागरिक नहीं है इस देश के? इतना हाई तो क्यों मचा रखा हम लोगों ने उनको? 10 साल में उसकी वेतन वृद्धि होती है? सवाल उसका नहीं है, मैं सवाल अरुण जेटली के दावे पे करना चाहता हूँ। कोठारी साहब, मेरा सवाल ये है कि 7वें वेतन आयोग को जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलती है उसके बाद अरुण जेटली आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा करते हैं कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, 7वां वेतन आयोग आ गया है, अब गरीब तबके को, मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी क्योंकि मार्केट में फ्लो होगा पैसा। तो क्या आप इस बात से सहमत है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत। किस आधार पर लगता है आपको सरकार किसी भी हालत में इस स्थिति में नहीं है कि गरीब को सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए? कोई स्कीम चल रही है? अदरवाइज अभी जो एजेंडा ये था कि सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग से और उसके अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा। जी, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, गवर्नमेंट ने करा सही करा है। चलिए आरपी विजय वर्गीय साहब, अब आप जवाब दे दीजिए, तमाम सवाल आपके सामने थे, उस बीच में एक सवाल अभी भी डाउटफुल लग रहा है कहीं पर कि गरीब तबका और मध्यम वर्ग क्या करेगा ऐसे हालात में, इम्बैलेंस होगा। अश्विनी जी, जो कोठारी साहब जो बात कर रहे हैं उसका कहीं भी कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई और बात नहीं, सरकार की प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। कोठारी साहब किस चीज पे जाना रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अच्छा किया, इनको और बढ़ाना चाहिए था। सिक्स जो वेतन आयोग जब लागू किया तो उन्होंने जो रिकमेंड की थी उसका डबल बढ़ाया, इन्होंने जो कहा उस वेतन आयोग की सिफारिशों में आपकी बात में विरोधाभास है। उस सेगमेंट में क्या करने जा रहे हैं? और बढ़ाने की बढ़ाया नहीं, हम तो ये आलोचना कर रहे हो, जो जो एक बड़ा सेगमेंट है, जो दोनों बातें एक साथ इस देश की 125 करोड़ की जो आबादी है, उस 125 करोड़ की आबादी के अंदर ये एक सेगमेंट है, ये आपको पूरी सर्विस देता है, आपके लिए डेडिकेटेड रहता है, आपको इनकी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो। लेकिन हम बीजेपी से उस सेगमेंट की मानसिकता के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बारे में तैयारी क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, जनता के मन में जो भय है, जनता के मन में जो भय है उसकी आपकी क्या तैयारी है सरकार की? आप किस प्रकार से जो महंगाई को कम करेंगे, किस प्रकार से इंप्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, क्या नई नौकरियां निकालेंगे क्या, या किसानों को सब्सिडी दी जाएगी क्या, या जो फिर आपने जो चलिए मौका दीजिए सवाल होंगे। कमीशन की रिपोर्ट आती, अरुण जेटली जी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट उन्होंने कहा सीधा कि इससे कोई महंगाई जो बढ़ने वाली है उसको हम चेक करेंगे, किसी तरह की महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, इंप्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, कंज्यूमर अगर बढ़ेगा तो उससे डेफिनेटली कोई डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियाँ बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अल्टीमेटली बात वही आती है कि जब अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें खर्चा डेफिनेटली होगा, बट अल्टीमेटली जैसा अभी खंडेला साहब बोल रहे थे कि ये पैसा वापस घूम करके सरकार के पास आ रहा है, सरकार के पास आएगा तो वही कल्याणकारी योजनाओं में जाएगा। दूसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी मैं कहता हूँ कि अगर कांग्रेस साथ दे दे और लैंड एक्विजिशन बिल में हमारा साथ दे, जीएसटी में हमारा साथ दे, 100% यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो आप सब खुशहाल होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं कांग्रेस, है कांग्रेस आप कांग्रेस लैंड एक्विजिशन में आप किसानों की मन मर्जी से और आप बड़े एक उद्योग ग्राहकों के आपने आपने अपने टाइम पे एक गलती करी थी, आपने किसानों के लोग मार के नहीं, आपने एक बार गलती कर दी और बार बार आप चाहते हैं कि ये सरकार भी वही गलती करे, वो सरकार नहीं करेगी। आप लोगों ने एक बार लोन माफ करके किसानों के
और गलत काम किया हुआ है। अच्छा तो उनकी बजाय तो उनको सपोर्ट माफ नहीं करते थे, उनमें सिर्फ बड़े 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 छोटे किसानों का बेनिफिट नहीं हुआ उसमें। आपको बता दूं आपसे सहमत नहीं है, आधे से ज्यादा मेहमान आरपी विजयवर्गीय साहब आपसे सहमत नहीं है किसान के लोन माफी के मसले पर। लगभग सबकी राय नकारात्मक है आपके इस फैसले के खिलाफ जो आपने बयान दिया। मैं आपको बता दूं इसका जो बेनिफिट मिला था वो छोटे किसानों को मिला ही नहीं, ये बड़े बड़े किसान जो किसान नहीं है। आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर ये बयान दे रहे हैं, आप लोग बात कर रहे थे, ये हमारे शिवजीराम जी कह रहे थे कि बड़े बड़े आदमी जो वास्तव में खेती नहीं करते और वो खेती की इनकम दिखा करके उसकी छूट ले रहे थे। तो आप बजाइए ना। चलिए मैं इस वर्चुअल इमेज पर बात नहीं करना चाहूंगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तुरंत चर्चा आखिरी दौर में होगी, साथ ही आज के सवाल पर जवाब के साथ लौटेंगे। वेतन आयोग से कर्मचारी वर्ग को तो फायदा होगा, किंतु जो मध्यम वर्ग है उसको वैसा कोई भी फायदा नहीं होगा, महंगाई लगभग और ही बढ़ेगी। इससे महंगाई पर बिल्कुल भी काबू नहीं पाया जा सकेगा, बल्कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करती है, महंगाई भत्ता उन्हें देती है, जबकि मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग के लोगों को जो प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं उनके वेतन वृद्धि नहीं होती है।